सो गाइस अभी हम लोग आए हैं पार्क स्कास का, उसके एंट्रेंस पे हैं हम लोग और अभी अंदर जा रहे हैं। बहुत सुंदर और पहली बार हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे हमने अपना मोबाइल में नेविगेटर लगा रखा है तो बस ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ पर तो हमने सोचा कि भाई जब हम आए हैं पहली बार तो आप लोगों को भी मिलवा देंगे। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, गाइस कैसे आप सब लोग? सातिक पीछे सो रहा है और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे रोलर कोस्टर वगैरह सब लगे हुए हैं। आवाज भी आ रही है आप लोगों को, ये देखो रोलर कोस्टर लगा हुआ है ना। अभी अंदर देखते हैं, अंदर जाके बात करते हैं आप लोगों से, चलो फिर अंदर मिलते हैं आप लोगों से। मतलब कि मेन गेट पे जो गाड़ी वाड़ी खड़ी कर देना लेके। सो गाइस यहाँ है ये पार्किंग और ये पार्किंग के बाद यहाँ है ये स्कास का पार्क। यहाँ देखो बड़ा झूला भी लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी जगह है, शांति है बहुत। ये जो शोर है तो ऊपर रोड का है और आज मंडे है, और आज मंडे है तो मंडे का फायदा ये है कि है पब्लिक नहीं है, पब्लिक नहीं आएगी, इसलिए हमने चूज किया था। और एक फायदा और है, सैटरडे संडे को एक्चुअली जो भी चीज का प्राइस है सब डबल है, 150 रुपये का सीधे 250 है ऐसे करके ना, नहीं डबल थोड़ी हुआ, मतलब कि 100 रुपये एक्स्ट्रा है। और अभी एंट्रेंस दिखा देता हूँ, और इसलिए हमने लोगों ने मंडे चुना क्योंकि थोड़ा टाइम मिलेगा, लोग नहीं होंगे। देखो यहाँ पे कितना सुंदर बना रखा है। सात वीक तो वहाँ बैठा हुआ है अपना, अभी सो कट है ना। ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप साइकिल वगैरह भी ले सकते हो रेंट पे। अरे वाह यार, इस वाले घर में भी चलना है क्या? अभी हमें टिकट भी लेना है एंट्रेंस का, एंट्रेंस का तो फ्री है मतलब कि वैसा। सो गाइस ये टिकट काउंटर है और यहाँ पर 200 रूबल का पार्किंग का है पूरे दिन का, 200 रूबल दो। और ये देखो, ये देख रहे हो पूरे दिन का जो है, वर्किंग डे में है 3900 और छुट्टी के दिन है 4900, पूरा 1000 रूबल का फ़र्क। ये एक जने का है जिसमें पूरा टिकट लेके आप पूरा उसमें घूम सकते हो, बेज लिमिट नहीं देश की, बच्चों का भी है इसमें सब कुछ। अभी लेना सात्विक की टी शर्ट चेंज करना चाहती है सात्विक, गाइस बहुत बार जब हम पुल पे से जाते हैं फ्लाईओवर से तो मैंने आपको ये दिखाया होगा, तो ये रेस्टोरेंट है एक्चुअली और इसके अंदर आप जा सकते हैं, साइड से लिफ्ट लगी हुई है जो जाते हैं और बहुत महंगा भी है और ये पूरा ग्लास का बना हुआ है। और ये बना हुआ है यहाँ झूला इतना ऊंचा वाला, चलते आगे देखते हैं कैसा है। लेकिन गाइस यहाँ पे है तो बहुत ही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, घूमने में भी शायद बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे, नहीं अब बहुत टाइम लगेगा घूमने के लिए भी। कहा रशियन विलेज भाई, चलो रशियन विलेज दिखा देते हैं आप लोगों को। बहुत आप वो कह रहे थे रशियन विलेज दिखाओ, रशियन विलेज दिखाओ, खाने पीने के भी फूड कोर्ट बने हुए हैं यहाँ पे। चलो आगे, आगे भी कुछ लोग कैमरा लेके शूटिंग वोटिंग कर रहे हैं कुछ। एक मुझे कंताकनी ज़ू पार्क है, अच्छा। सो गाइस ये लोग जो शूटिंग कर रहे हैं रशिया टुडे की तरफ से हैं, रशिया टुडे एक न्यूज़ चैनल है। और ये सब आप देख सकते हो बहुत बढ़िया सुंदर बना हुआ है। और अभी हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग जाएंगे वहाँ रशियन विलेज में, एक रशियन विलेज का छोटा वो बना रखा, अच्छा ट्रेन भी लगा रखी है यहाँ, टॉय ट्रेन, और रशिया विलेज में जाएंगे और वहाँ देखेंगे। गाइस ये वाला जो झूला है ये 360 जाता है, देख रहे हो ए पूरा गोल गोल एकदम, बहुत इंटरेस्टिंग है 360 पे एकदम। ये वाला ट्राई करना बनता था लेकिन हमारे साथ सात्विक है, क्या करें, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी हम पता करेंगे कि यहाँ क्या क्या है। प्लस आइस पार्क कॉम्प्लेक्स में 550 में हाँ गाइस, एक ये है यहाँ पे आइस पार्क। अभी आइस पार्क में क्या है आगे चल के देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्क बना रखे हैं। ये है आइस पार्क, यहाँ पे सात्विक और लेना देख रहे हैं। मामल, ओए, अभी का तो मामल।
ना तो उसका मुख अच्छी। सो गाइस हम लोगों ने कार्ड ले लिया है, ये है वो कार्ड और ये एक तरह से पूरा कार्ड है और उसके अंदर आप 2500 रूबल हमने डलवाए हैं और इसके अंदर आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, बस जितना उसका एंट्रेंस होगा वो कट जाएगा उतना पैसे और ये कार्ड आपके पास 365 डेज ऑल टाइम रहेगा। और इसी से हमारी एग्जिट है पार्किंग की, क्योंकि पार्किंग 200 रूबल पर डे के लिए पूरा, इसी से हमारी पार्किंग एग्जिट हो जाएगी और 3 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है। हाँ। है ना, तो ये है सिस्टम। बाकी इस पार्क का एक नक्शा दे देता हूँ मैं आपको, दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। और ये है कि आपको पैसे वसूल हो जाएंगे अगर आप यहाँ आते हो तो बच्चों को लेके, बहुत बढ़िया जगह है क्योंकि ऐसा पार्क बहुत कम ही है मॉस्को में, मैंने तो शायद अभी देखा है, इसमें डायनासोर का और ये सब करके ना बहुत सुंदर है। ये देखो पूरा वो देख रहे हो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सब कुछ है, इसमें तो बड़े बच्चों के लिए भी है यार, इतने बड़े बड़े झूले और सब लगे हुए, नहीं रोलर कोस्टर इतना बड़ा लगा हुआ है, बड़ों के लिए भी है, एडल्ट के लिए भी है ऑफकोर्स। हाँ देखो घोड़े, घोड़े को घुमाने के लिए वेलिनुस, देखो नीचे देखो ये हॉर्स राइडिंग वगैरह भी है आपके पास, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पार्क है। ये यहाँ पे लिखा हुआ तो है लेकिन आप लोग समझ नहीं पाओगे, एक्चुअली यहाँ पे सब रशियन में लिखा हुआ है लेकिन अगर आप रशिया में रहते हो मॉस्को में तो आप समझ पाओगे। सो हम लोग आ गए हैं अब गांव में, इस गांव के अंदर जाएंगे अभी। हाँ देख छोटे छोटे अंडे उनके चिड़िया के, козочки. Смотри, там будет проход, когда по дорожке пойдете направо. По дорожке у нас идет хлеб. В хлеву у нас маленькие крольчата, цыплята. Вот इसके अंदर भी बना रखे हैं मुर्गी। वो अंडा दिया क्या? तो गाइस देख रहे हो? तुझे क्या शलिया पोस्ट करनी है? देख, कॉक कॉक कॉक, देख के खड़े हो गए कितने बड़े बड़े, ये क्या है? बत्तख? हाँ निनादा लिनुस, ये कुसा है दा नहीं? बहुत डेंजरस, इनके दांत होंगे, इनके दिख रहे हैं साइड से कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन ये कितना शोर मचा रहे हो तुम बदतमीजो, ये बत्तख। साथी को अच्छा लग रहा है गाइस, ये देखो ये क्या चीज है अलग तरह की मुर्गी है के, वाओ मैन तुम्हारा हेयर स्टाइल तो बहुत है ऑसम है व्हाइट कलर का, ब्लू है वो, रेड है। अच्छा हाँ ये कलर तो नहीं कर रखा, नहीं कलर नहीं है, नेचुरल है, वाओ है ना साथी, अच्छे हैं। कोको आज इसका हाथ पकड़ ले, उस काट ले, ये बहुत ही ज्यादा शोर मचाते हैं बच्चे। अरे वाह यहाँ पे और भी चीजें हैं, भेड़ बकरी भी है यहाँ पे ये बैठे हुए। अच्छा इसके अंदर क्या है, तुम क्या बैठे हुए यहाँ वेट कर रही बेटा? सात्विक नकल उतार रहा है भेड़ों की, ये भेड़ है भेड़। दोनों के दोनों कैसे देख रहे हैं बेटा, कैमरा है कैमरा, बहुत औसम जगह। सात्विक आया भाग के तेजी से सात्विक क्या है ये देख, ओए काकी के टुंगा टुंगा टुंगा, किसके दूध है इसके, पूरा बच्चा इसका दूध पीता है, वो छोटा बच्चा बैठा है उसका, ये इसकी मम्मी है। ओ ये कितना बड़ा मुर्गा, ये तो कितना बदमाश लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये डॉन है यहाँ का, एकदम लंबा चौड़ा बड़ा एकदम। और ये देखो कितने बड़े साथ ही इनकी नकल उतार रहा है साथ ही कैसे कर रहे हैं भाग गया डर के मारे भाई, छोटा सा कितना है, छोटा सा क्यूट सा एकदम काला
वाह काला मुर्गा, ये मुर्गी है काली मुर्गी। हाँ वो मुर्गी के ऊपर वो है पंख। यहाँ पर खरगोश है, इन सबको पता है भूखे हैं सारे जानवर यहाँ, जैसे ही आते हैं उनसे। देखो ये रे नीचे देखे ये सब। वो देख पीछे कितने प्यारे हैं दोनों कपल। मेरे पास ये ब्लैक वाला था ले लो, जिसकी नाक काली है ना, सेम ये वाला था मेरे पास। ओए बहुत क्यूट होते हैं, काटते भी नहीं, बहुत ही क्यूट खरगोश। मेरे क्रोलिक का नाम था टुक टुक। ये देख व्हाइट कलर का कितना बड़ा है ये। यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है। Ненус, ये वाला व्हाइट वाला देख कितना प्यारा क्यूट छोटा सा। ये वाला देख। Ну, у них красные глаза, мне вот поэтому белые не нравятся, а больше все вот эти маленькие ку-ку. So guys, जैसे ही हम कहीं पे जाते थे एकदम से बाहर भागे भागे आते हैं सब, क्योंकि ये भूख लग रही है। देखो कितना वो बना रखा है। У меня сейчас нету сок, он там в коляске остался. आ जाओ इधर से घूम के बस चल रहे हैं। ओ ये क्या है भयंकर, ये क्या टर्की? टर्की टर्की, हाँ ये टर्की, ये टर्की है हिंदी का। और ये देखो उसके ऊपर कितना, मेरे को ये अभी छोटे है, वो बड़ा है ऐसा कर दा, बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो देख उसको हिला रहा है अपने उसको। सब भूखो कितने आगे हैं। अरे बेटा तुम सो रहे हो। सो गाइस ये बता रही है लेना कि अलता है दा? एल्टर। तो यहाँ पर ये बना रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग बना रखा है। और इसमें चक्की भी बना रखी है, देख रहे हो। चक्की तो आप लोग सब जानते ही हैं कि खाना पीसने के लिए चक्की यूज़ होती थी। अब शायद ये घूमती नहीं होगी ना, ये तो घूम रही है, ये तो मूव कर रही है। और ये भी चक्की है, सातिक भी आ गया। अच्छी जगह है और एकदम। और ये बैठ सकते हो आप इस पर, पहले ये यूज़ होते थे ना जंगलों में, अभी भी ये यूज़ होते हैं, इसके बंडल बना देते हैं। ये छोटा सा रशियन विलेज हो गया। अच्छा स्टेयर्स बड़े क्यूट बना रखा है ना, एकदम इजी, बड़े स्टेप हैं एकदम। सातिक झूला झूल रहा है एकदम जैसे इंडिया में लगाते हैं ना, बढ़िया एकदम सीढ़ी वगैरह सब कुछ लगा रखी है। सो गाइस ये था आपका रशियन विलेज का एक छोटा सा टूर। मतलब कि रशियन विलेज में अब आप लोगों ने देखा कि सिर्फ ज़्यादातर एनिमल्स ही थे जो घर जो गाँव में यूज़ होते हैं। चश्मा लगा लोगे पहले? हाँ। तो कहने का मतलब यह था कि यहाँ पे जो जो गाँव में जानवर यूज़ होते हैं और ये कैसा बना हुआ था, और बहुत पहले का। अब ऐसे गाँव नहीं है, अब तो गाँव में वैसे ही जैसे हमारे दाचे में बने हुए हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं डायनासोर के, उसमें भी जाना है अभी हमें, पूरा घूमना भाई बहुत बड़ा है। चलो चलो साथ एक देख गिर ना जाए। सो गाइस ये लोग जा रहे हैं ट्रेन में घूमने के लिए। बाय। तुम तूतू में जा रहे हो सात्विक? तूतू में हो सात्विक का रिएक्शन। ओ ट्रेन आ रही है यहाँ से सात्विक आएगा। ये तूतू सात्विक। अरे बड़ी तेज तेज हो रही है तो। सात्विक तो आवाज निकाल रहा है, जो जो गाड़ी की आवाज आ रही है ना, कौन कौन। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे सात्विक के साथ इसके अंदर, क्योंकि टिकट तो फिर मेरा लग रहा है, सात्विक तो फ्री है। यहाँ एक चीज मजा है, छोटे बच्चों के साथ अगर 3 साल से
कम है उम्र तो एक पेरेंट को भी मजा आएगा। सो गाइस अभी हम लोगों ने सोचा है मैं और सात्विक जाएंगे इस बस के अंदर, क्योंकि मुझे मुझे भी तो झूलना है ना सात्विक। ना सात्विक झूलोगे इसमें बस में? चलो इसमें झूलेंगे बस के अंदर। वो सात्विक कह रहा वो। सो गाइस ये बस है जो ऊपर जाती है, पहले हम एक बार देख लेते हैं कैसा होगा, फिर उसके बाद सात्विक को लेके जाएंगे। ये अच्छा ऐसे ऊपर जाती है बस। वाओ और नीचे आती है। सात्विक रोएगा इसमें पक्का। सो इस बस में हम नहीं बैठ पाए क्योंकि सात्विक की हाइट कम थी, सात्विक उसमें नहीं जा सकते। अब हम लोग जाएंगे सात्विक का रिएक्शन देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी है, देखते हैं सात्विक का रिएक्शन कैसा होगा। जिस कुछ नहीं है सात्विक का, वो देखियो अभी अभी देख सात्विक कैसे करेगा। सात्विक अच्छा लग रहा है ना, अब आया मजा। मजा आया सात्विक। पानी है नॉर्मल नीचे। हम लोग बैठ गए झूले में सात्विक के साथ। अरे झूले का बड़ा अलग ही मजा है। ये वाला झूला कहता पोई पोई पोई। सात्विक यहाँ निकाल लो, यहाँ पकड़ लो। ये सात्विक बैठ गए यहाँ पे। अब मैं खुद देखना चाहता हूँ रिएक्शन, मुझे अच्छा लगेगा ये झूला है नहीं। यहाँ पे सब बच्चों के साथ बैठी हुई है। ये झूला है पीछे, यहाँ पे भी बैठे हुए। वहाँ लेना है। Меня какой? А если я куплю это пломбир с клубником, это тоже, да, вы положите? Тогда, а это, который все, да? Тогда мне это апельсиновый. В каком шоколаде? Шоколад. Вот это давайте. Вот. Да, какие это ванильные? Белый. So guys, ये देखो अब हम आइसक्रीम ले रहे हैं और ये इसमें डिप करके देंगे। ये हो गए डिप, और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और ये एकदम जम जाती है ना। जम गई? वाह जम गई पूरी। गाइस ये आइसक्रीम की कंपनी बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ उल्टा तो नहीं दिख रहा होगा, अगर आपको ऐसे बना हुआ दिखाई देगा ना यहाँ, ये हर जगह 100 रूबल की है। 100 रूबल में आपको आइसक्रीम डिप करके देते हैं अलग अलग फ्लेवर में, डार्क चॉकलेट है या फिर वाइट चॉकलेट है। पर ये हार्ड हो जाती, मैंने आपको बताया, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा। ये ऑरेंज चॉकलेट है, सॉरी ऑरेंज आइसक्रीम है, ऑरेंज फ्लेवर और वाइट चॉकलेट के अंदर डाल के दी है। वाह बहुत जैसे बहुत टेस्ट। जी देखो हिंदी में लिखा है स्वादिष्ट चिकन इंडियन फ्लैग के साथ।